Hi everyone, great morning. My name is Shan Alam Khan, educator, motivational speaker and proud owner of Alam Tutorial. Friends, 10th standard ka result out ho chuka hai and congratulations to all the students who have passed with the flying colors. But yahan se to main confusion shuru hua hai. Ab kya karna hai? Pass to ho gaye. Science, commerce, arts lena kya hai? Yahi to main confusion hai. फ्रेंड्स, मैंने आज वीडियो इसीलिए बनाया है कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों का ये जो कन्फ्यूजन है कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या लेना है, इसको लेके वो अभी भी कन्फ्यूज़ हैं, उसके लिए मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। शुरू करते हैं कुछ मिथ्स से, मिथ्स रहस्य या रूमर्स, ठीक है। सबसे पहला मिथ ये होता है कि आपका साइंस लेना, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना, लोगों के दिमाग में ये सोच है कि साइंस वही बच्चा लेता है जिसका बहुत अच्छा परसेंटेज आता है, फिर जो एवरेज होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं और जो फिर जो एकदम गए गुजरे टाइप के होते हैं वो लोग आर्ट्स लेते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। साइंस का अपना इंपॉर्टेंस है अपनी फील्ड में, कॉमर्स का अपनी फील्ड में और आर्ट्स का अपनी फील्ड में। कोई भी इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से बेहतर या बढ़कर नहीं है। सब अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। और दूसरा, स्टूडेंट की लाइकिंग पे डिपेंड करता है कि उसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स क्या अच्छा लगता है, उस पे डिपेंड करता है। नाउ सेकंड मिथ, लोगों को ये लगता है कि उनका परसेंटेज डिसाइड करेगा कि उनको साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा आपके लिए पर्सनल एक सजेशन रहेगा कि आपका 95% भी आया और आपको लगता है कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए क्योंकि वो आपकी लाइकनिंग है, आपको वो अपील करता है, वो आपको पैशनेट है आप उस चीज़ के लिए, तो गो फॉर इट। और अगर आपका 59% भी आया और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे साइंस लेना चाहिए, देन गो फॉर इट। आपका परसेंटेज ये डिसाइड नहीं करेगा आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लोगे, आपकी लाइकनिंग पे डिसाइड करता है। आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप किस सब्जेक्ट के लिए पैशनेट हो, आपको क्या अपील करता है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना चाहिए इन सब में से। आपका परसेंटेज स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूँ नहीं डिसाइड करता है कि आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में से क्या लेना चाहिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड मिथ, या मैं इसे बीमारी कहूँ इंडियन सोसाइटी की, कंपैरिजन। आप अपने बच्चे का परसेंटेज या मार्क्स किसी दूसरे बच्चे से मत कंपेयर करो। या अब वो साइंस ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है, आर्ट्स ले रहा है, प्लीज़ अपने बच्चे को ये मत कंपेयर करो कि देख वो इतना परसेंटेज आने की वजह से वो साइंस ले रहा है और तू नहीं ले पा रहा है, तू कॉमर्स लेगा, तू ये आर्ट्स लेगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा मत कंपेयर करिए। जिस तरीके से आपका बच्चा यूनिक है, डिफरेंट है, उसी तरीके से उसका मार्क्स, उसका परसेंटेज भी यूनिक है। उसको किसी और के साथ कंपेयर करके आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट डू दिस। अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर मत करिए, उसका मार्क्स किसी से भी कंपेयर मत करिए। वो जो बच्चा साइंस लेके उसके साथ जो भी भला होने वाला है उसकी ज़िंदगी में, आपके बच्चे के साथ वो कॉमर्स लेके भी हो सकता है, वो आर्ट्स लेके भी हो सकता है, या डिप्लोमा वगैरह का कोई कोर्स करके भी हो सकता है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बच्चे को किसी भी बच्चे से कंपेयर करना, या नेबर के बच्चे से, या पड़ोसी के, रिश्तेदार के बच्चे से कंपेयर करना मत करिए, बंद करिए। सो फ्रेंड्स, दीज वर द थ्री मिथ्स जिसकी वजह से हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट्स कन्फ्यूज़ होता है कि वो साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स क्या चूज़ करे। हियर आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ माई वीडियो एंड बिफोर एंडिंग इट, मेरा स्मॉल मैसेज हर बच्चे, हर पेरेंट्स के लिए, ये SSC का रिजल्ट इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ये कागज़ का टुकड़ा आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो डोंट बी द बेस्ट, बी योर बेस्ट। चूज़ वॉट एवर इज अपीलिंग टू यू, वॉट एवर यू आर पैशनेट अबाउट। दैट्स इट। हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, ग्रेट मॉर्निंग।